स्वागत है दोस्तों एम्पलीफायर टेक्निक में। दोस्तों एक ये मेरे पास एम्पलीफायर रिपेयर के लिए आया हुआ है, इसमें आउटपुट में आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने इसकी वोल्टेज नापी। वोल्टेज इसकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ओके मिल रही थी, फिर भी आउटपुट का जो बल्ब होता है जो हम सीरीज में लगाते हैं वो भी ग्लो नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले फिर मैंने क्या किया, इसके इनपुट में 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल दिया। इसका इनपुट यहाँ पर है, यहाँ से इसको 1 किलोहर्ट्ज का इनपुट दिया और यहाँ से इसमें वॉल्यूम कंट्रोल लगे हुए, एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। वॉल्यूम कंट्रोल पीछे की तरफ लगे होते हैं इसमें। तो ये जो एम्पलीफायर होता है ये सिनेमा हॉल में लगता है। तो इसको इनपुट में 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल दिया, उस पर फिर मैंने ऑसिलोस्कोप से इसके इनपुट पॉइंट पे सिग्नल चेक किया, तो इनपुट पे सिग्नल मेरे को मिल गया। फिर उसके बाद में मैं चेक करता हुआ इस वाली प्लेट के इनपुट पे आया, वहाँ भी सिग्नल मेरे को मिलता चला गया और आगे बढ़ा। आगे बढ़कर ये जो यहाँ पर ये जो मॉस्फेट लगे हुए हैं, इस मॉस्फेट का नंबर है 10N16। सारे जो मॉस्फेट हैं 10N16 इनका नंबर है। कई लोग इसको ट्रांजिस्टर समझते हैं और मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है, लेकिन मैं इसका नंबर मैं इसीलिए बता रहा हूँ। ये वाला जो है 10P16 है और इस साइड वाला 10N16 है दूसरी साइड का। ये वाला ये जो साइड है ना, दो साइड होती हैं, ये वाला है 10P16। तो इसका जो गेट पे जो सिग्नल आता है इस मॉस्फेट के गेट पे जो सिग्नल आता है उस पर मैंने ऑसिलोस्कोप से सिग्नल चेक किया, तो इस पॉइंट पे भी मेरे को सिग्नल मिल रहा था, नेगेटिव साइड पे भी और पॉजिटिव साइड पे भी, दोनों साइड पे मेरे को सिग्नल ऑसिलोस्कोप पे मिल रहा था। तो फिर इसका मतलब मुझे ये आइडिया लग गया कि आउटपुट इसका ओके है। उसके बाद मैंने इस रिले के पॉइंट पे चेक किया, ये फ्यूज़ लगा हुआ है इस पर भी सिग्नल मुझे मिल गया। इसमें आउटपुट से सिग्नल इस फ्यूज़ पे आ रहा है, इस फ्यूज़ से आ रहा है इस रिले पे, इस रिले से आउट होके इस कॉइल पे आ रहा है, इस कॉइल से आउट होके स्पीकर के लिए जा रहा है। तो सिग्नल यहाँ तक तो मिल रहा था मुझको यहाँ, इसके बाद में इस रिले से होके जो यहाँ पर कॉइल पे आउटपुट होता है ये नहीं हो रहा था, इसके वजह से ये रिले मेरे को ख़राब निकली। तो रिले मैंने इसमें नहीं लगा दी, ये देखो इसकी पुरानी रिले ये वाली है, ये इसकी ख़राब निकली है, ये मैंने इसमें नहीं लगा दी। अब ये इस एम्पलीफायर में सिग्नल चेक करने पर मुझे सिग्नल आउटपुट में भी मिल गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम रिले ख़राब होती है और हम पूरा एम्पलीफायर चेक करते रहते हैं और फॉल्ट तक नहीं पहुंच पाते। इसकी बायस वोल्टेज भी मैंने सेट कर दी है और इसकी जो डीसी ऑफसेट वाली प्रॉब्लम होती है वो भी मैंने इसकी ओके कर दी है। अब ये सेट बिल्कुल ओके है, लोड टेस्टिंग मैं कर चुका हूँ, एक बार और करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस तरह के 2 एम्पलीफायर और मेरे पास आए हुए हैं, उनको भी चेक करूँगा, उनकी भी वीडियो मैं
बनाकर आपको दिखाऊंगा उनमें क्या बाल निकलता है। ठीक है, नमस्कार।